बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको देना चाहते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली हिंसा के अंदर बदल गई थी और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दहल गई थी दिल्ली, उसका पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर असर पड़ा था। आपको बता दें कि इस दौरान जो प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम आया वो कपिल मिश्रा था, बीजेपी का नेता, आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक में रह चुके हैं और निष्कासित और पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करने की भी, दिल्ली हिंसा का आरोपी बनाए जाने की भी मांग की गई। पिछले दिनों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है उनकी तरफ से भी एक मांग की गई थी कि कपिल मिश्रा के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। आपको बता दें कि 23 फरवरी के दिन कपिल मिश्रा ने एक भाषण दिया था, भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे हिंसा भड़कने का आरोप है उन पर लगा था। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ पूरा विपक्ष हो चाहे पूरे तमाम लोग जो ये लगातार ये मांग कर रहे थे कि कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कपिल मिश्रा जिसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी उसी कपिल मिश्रा को अब Y+ सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। यानी आपको बता दें कि अब उनको पुलिस फोर्स के दौरान सिक्योरिटी में रखा जाएगा ताकि उन पर किसी भी तरीके की कोई आंच न आ पाए। आपको बता दें कि इस तरीके की पहली घटना हो सकती है जिन पर आरोप लगा हो हिंसा भड़काने का और उनको इस तरीके की सुरक्षा दी गई हो। देश के अंदर जिस तरीके से हिंसा हुई इस मामले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आज बयान दिया। आपको बता दें कि रामलीला मैदान पर जब मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने साफ तरीके से कहा कि अगर अमित शाह चाहते तो इस दंगे को रोक सकते थे, लेकिन देश के गृह मंत्री ने जानबूझकर इस दंगे को होने दिया। उन्होंने कहा कि पूरा तरीके से जो ये कार्यक्रम था स्पोर्ट था, पूरी के पूरी तरीके से ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, जिस तरीके से हिंसा हुई थी वो पूरी तरीके से प्री प्लानिड थी, पहले से एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ किया गया था। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा को आज Y+ की सुरक्षा दी गई है। जिस कपिल मिश्रा को पूरी दिल्ली ये कह रही थी कि गिरफ्तार करना चाहिए उस कपिल मिश्रा जिन्होंने भड़काऊ भाषण देने के दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर FIR दर्ज करने की बात कही थी, अब वही दिल्ली पुलिस आपको बता दें कि कपिल मिश्रा की सुरक्षा करेंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको वीडियो